नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जहां आप सीखते हैं एक्सेल वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग फॉर एमआईएस इनपुट ऑटोमेशन। ये क्लासेस हमारे लाइव जूम ऐप के थ्रू होती है, जो कि क्लासेस आप अपने घर पे अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फोन से और अदर सोर्सेस से आप लेते हैं लाइव मेरे साथ। और ये क्लासेस हमारी वीवीए मैक्रो की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप देखने जा रहे हैं, और ये क्लासेस लाइव कंडक्ट हो रही है। हमारे साथ दो बच्चे ज्वाइन करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हैं, और आज हम बात करेंगे एक्सेल फंक्शंस के बारे में। एक्सेल में वीवीए के थ्रू हम कैसे खुद के फॉर्मूले बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में ना लिख के आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट मैं क्विकली नहीं पढ़ता हूँ, टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए। दूसरी चीज, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी क्लासेस को लेना चाहते हो, मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो तो भी आप जुड़ सकते हो। मेरे वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है और साथ में नंबर्स भी है, कॉल भी कर सकते हैं। डीवीडी लेना है तो डीवीडी भी ले सकते हैं, लाइव मेरे साथ पढ़ना है तो लाइव भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारी ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं पुनीत जी और संजीव जी, और आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज फंक्शंस, वीवीए फंक्शंस। वीवीए फंक्शन इट मींस, जैसे कि आपके पास एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूले होते हैं, तो उसी तरह का फॉर्मूला क्रिएट करना वीवीए फंक्शन कहलाता है। ठीक है सर, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहले इस चीज को जानिए, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं एक्सेल में जो कि फॉर्मूलेज की जरूरत है जो कि एक्सेल में नहीं है, उनके लिए हम क्रिएट करने जा रहे हैं, या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले जिसकी जिसके लिए एक्सेल में काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस को सामना किया जाता है, तो उस चीज को हम क्रिएट करते हैं। राइट, तो उसी के एग्जाम्पल वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ फॉर्मूला से। हेलो पुनीत जी, सुन रहे हैं मुझे आप? जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे कुछ नंबर्स, मैं रैंड मशीन चलाता हूँ और मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है। राइट, तो 0 to 40 हो तो हमारा 500 हो, 41 to 80 हो तो यहाँ पे 1000 हो, 81 to 100 हो तो यहाँ पे 2000 हो, और ग्रेटर देन 100 हो तो यहाँ पे 5000। इसलिए यहाँ हम कॉमा लगाते हैं इफ का। इफ अगर ए ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 40 हो तो 500। समझ गए? हेलो। हाँ तो इस तरह से हम नेस्टेड फॉर्मूला लगाते हैं। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि हम मैनुअल कैसे लगाते हैं, मतलब तो कि बिना वीवीए का हम कैसे लगाएंगे, फिर वीवीए में कैसे सिंपलाइज करेंगे, ये चीज हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, अगेन इफ लगाया और हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 1000। अगेन इफ दिया, इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू अगर 2000, सॉरी 100 है तो यहाँ पे 2000, राइट, अदरवाइज 5000, और हमने कर दिया। तो ये हमारा इफ का फॉर्मूला है। इसमें देखा, इसमें चलो इसमें तीन कंडीशन, तीन चार कंडीशन थे, तो तीन चार इफ लगा। तो आगे हो सकता है कि आपकी कंडीशन काफी ज्यादा हो तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है सर, तो उस केस में क्या करें और कैसे करें, चलिए हम आपको बताते हैं।
तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं क्योंकि आप एक्सेल को जानते हैं, लेकिन आप किसी को देना चाहते हैं जो कि एक्सेल का इस्तेमाल नहीं जानता है, तो उस केस में हम वीवीए का फंक्शन बनाएंगे, हम डेवलपर को जाएंगे विजुअल बेस। और यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला फंक्शन, जैसे माइक्रो बनाने के लिए हम सब लिखते हैं, एसयूवी सब, लेकिन फंक्शन में हम लिखेंगे फंक्शन कि फंक्शन, और फिर यहां पे देंगे इफ, और या फिर INC इंसेंटिव के नाम से INC, और इसमें देना होता है इनपुट एन एज लॉन्ग। मतलब ऐसा क्यों, जैसे आप इफ ही का फॉर्मूला लगाएं तो इस फॉर्मूले में क्या हुआ कि आपके पास तीन इनपुट्स है ना, क्या? तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे कि इफ फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी तो यहाँ पे जब INC लगाएंगे तो INC के अंदर में एक इनपुट हो, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया। फिर यहाँ पे मैं जो कंडीशन है वो कंडीशन देता हूँ, जैसे डिम आर एज ए लॉन्ग दे दिया मैंने, एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ, या सिलेक्ट केस भी लगा लीजिए, सिलेक्ट केस एन, और यहाँ पे दे दीजिए कि केस लेस देन इक्वल टू 40, तो आर इक्वल टू 500, केस लेस देन इक्वल टू, चाहे यहाँ पे कर सकते हैं कि 41 टू 80, तो आर इक्वल टू 1000, केस 81 टू 100, आर इक्वल टू 2000, केस ग्रेटर देन 100, आर इक्वल टू 5000, और फिर यहाँ पे एंड सिलेक्ट, ठीक है सर। और फिर यहाँ पे INC इक्वल टू हम कर देते हैं यहाँ पे R। देखिए फॉर्मूला का तीन पार्ट होता है, फर्स्ट डिक्लेरेशन, आप फॉर्मूला को डिक्लेयर करो, ठीक है सर, देन कैलकुलेशन, फॉर्मूले को कैलकुलेट करो, फिर असाइन द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जो है आर के ऊपर है, तो हम फॉर्मूला नेम जो हमने दिया है उस फॉर्मूले नेम को आर की वैल्यू असाइन करेंगे तो बाहर शो, समझ गए सर। तो पुनीत जी एंड संजीव जी, आप बताइए कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हैं आपको? हाँ हेलो, क्या बोल रहे हैं? नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? सर, नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है, और सॉरी मैंने आपको रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं किया, आपने पूछा भी नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्ड कर सकते। ठीक है सर, कंडीशन दे दो तो हम कैसे करेंगे? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या हो, एक तो इफ का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा मेरे पास एक और है कि मुझे एमआरपी निकालना है किसी का,
और कॉस्ट किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 50 है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है इसको 10% के डिस्काउंट पे दे देता है किसको, 5% पे देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर 10% पे होलसेलर को, होलसेलर 50% रिटेलर को, और रिटेलर 50% पे कंज्यूमर को देता है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए इसका एमआरपी, तो यहाँ पे देते हैं सब, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एमआरपी नाम का फॉर्मूला, और कॉस्ट सी करते हैं, सी एज ए हमने कर दिया डबल, और फिर यहां पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं कि डिम आर एज ए डबल, और लेता हूं कि आर इक्वल टू सी का 5%। अब 5% ऐसे नहीं निकाल सकते, यहां पे आपको 0.05 डेसिमल में लगाना पड़ेगा या फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा प्लस सी, और बोर्ड मास मेथड को अपनाते हुए हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ऐसे दूसरा आर इक्वल टू, अभी आर पे स्टोर हो गया तो यहाँ पे हमने बोला कि आर मल्टीप्लाई बाई 0.010% प्लस आर, और इसी को 15% 20%, यहाँ पे 15 दे दिया और यहाँ पे 20 दे दिया, और लास्ट में हम एम आर पी इक्वल टू आर फॉर्मूला का तीन साल है, डिक्लेरेशन हमने फॉर्मूला को डिक्लेयर किया, कैलकुलेशन फॉर्मूला को कैलकुलेट किया, एंड असाइन हमने फॉर्मूला को असाइन किया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे यहाँ पे कि एम आर पी, और यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने आया। समझ में सर? इसी तरह से अगर तीसरा एग्जाम्पल दूं कि मेरे पास Q1 है और हमारे पास Q2 है और मुझे ग्रोथ निकालना है, Q1 की 50 सेल है और यहाँ पे 60 सेल है और मुझे इसमें यहाँ का ग्रोथ निकालना है, तो हम यहाँ पे फंक्शन देते हैं और हम करते हैं एम आर पी, और यहाँ पे हम करते हैं एम आर पी ग्रोथ चाहिए ना, जी हाँ, एज ए हमने यहाँ पे दिया Q1, Q2 एज ए हमने दे दिया लॉन्ग, और फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ भी देना पड़ेगा एज ए लॉन्ग, माफ कीजिएगा एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे हमने दे दिया कि डिम आर एज ए डबल, और यहाँ पे हम करते हैं कि आर इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1, क्योंकि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट, ये फॉर्मूला है, और फिर हम जी आर इक्वल टू कर देंगे आर, तो यहां पे देखिए इक्वल टू जी आर, और हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया और आपके सामने रिजल्ट है, बट रिजल्ट को मुझे परसेंटेज में चाहिए, बट डेसिमल में आ, लेकिन काफी ज्यादा है, इतना परसेंट नहीं होना चाहिए, 1.2 नहीं होना चाहिए। अच्छा Q11 हो गया इसलिए अब 2%, 20% हो, तो परसेंट में लाने के लिए हम यहाँ पे इसकी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट, और हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉमा हमने कर दिया 0.0%, कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड मैंने अप्लाई कर, ठीक है सर? आया समझ में सर? लेकिन इसमें आगे पढ़ने से पहले मैं हाँ चाहूंगा, सर 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 पूछिए सर, ये MRP वाला है वो दोबारा बता दीजिए एक बार, एमआरपी वाला मतलब कि क्या चाहते हैं, दोबारा ये दोबारा समझा दो थोड़ा, उसमें कंफ्यूजन है मेरे समझा, को। ठीक अभी समझा, देखिए
सॉरी मुझे ये रहा हमारे बारे सर क्या हुआ कि हमने सी मतलब कॉस्ट को यहाँ पे स्टोर किया, मतलब जो हम फॉर्मूला अप्लाई किए यहाँ पे कॉस्ट, तो इसके इसके अंदर जो हमने बी टू दिया तो बी टू की जो वैल्यू है वो सी पे स्टोर हो गई, ऑटोमेटिकली सी पे स्टोर हो गया राइट। फिर हमने आर को बोला कि आर एक आर की वैल्यू हो सी में से 5% निकालो और सी पे एड कर दो और उस वैल्यू को आर पे स्टोर करो, तो 50 का 5% आई थिंक ढाई होगा, तो ढाई जो है इस पे ऐड होके इसका आर का रिजल्ट हो गया 52 पॉइंट समथिंग ठीक है। फिर हमने बोला कि इसका 10% निकालो इसमें ऐड करो, तो हर के नंबर परसेंटेज निकाल के उसमें हम ऐड करते जा रहे हैं, क्लियर है? यस डाउट इसमें यस ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें कि इसको जो है अपने पीसी पे इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें ठीक है, और मुझे 10-15 जो है फॉर्म जो है बढ़ा के दी ठीक है सर। क्लियर है? तो बनाइए, फिर अगली क्लास में हम आपको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस और बाकी चीजों पे दे देंगे और वीवी का भी इनबिल्ट फंक्शन है उस पर बताएंगे।